हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशर। सो गाइस, पाक मीडिया शॉक्ड टू सी विराट कोहली 95 अगेंस्ट न्यूजीलैंड, शमी 5 विकेट हॉल्स। मतलब शमी की 5 विकेटों ने और 95 रन ने, मैं कहता हूँ, कमर तोड़ के रख दी थी न्यूजीलैंड की। उसके ऊपर पाक मीडिया क्या कहता है, देखते हैं बिना किसी देरी के। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। कानून करते हैं रिटर्न एंड स्टार्ट। बदला ले लिया गया न्यूजीलैंड से विराट कोहली की जानिब से। विराट कोहली वॉज द कैप्टन व्हेन दे लूज अगेंस्ट दिस टीम इन द सेमीफाइनल। इज अ क्लैश ऑफ द टाइटंस, यू नो, टू टॉप टीम्स। शुरू में लोगों ने कहा था इंडिया फेवरेट है, ऑफर करते हैं, ये वेन्यू ऑफर करता है बॉलर्स के लिए भी। बट यहाँ पे विराट कोहली और रोहित शर्मा के अगर स्टैट्स देखते बोल तो मुझे नहीं लगता ऐसी स्टेटमेंट देते। क्या खूबसूरत किस्म की बैटिंग की आज एक बार फिर से विराट कोहली, द ग्रेट रन मशीन एवर प्रोड्यूस बाय इंडिया। क्या शानदार किस्म की आज कहने के विराट ने बैटिंग की है। आप इनके साथ कंपैरिजन ना करो, मेहरबानी। आप विराट एक बहुत बड़ा ब्रांड है यार क्रिकेट का, वो वाकई देखता है। आप इससे तो मैं कह रहा हूं कि जो लोग इधर उधर के कागजी घंटे के किंगों के उठाते हैं, वो विराट कोहली के थोड़े से उठा ले तो क्रिकेट सीख जाओगे। आई वांटेड टू आस्क यू, रोहित शर्मा कंट्रोल्स द गेम, विराट कोहली कंट्रोल्स द गेम, गिल कंट्रोल्स द गेम, तो फिर केड़ा नहीं करता कंट्रोल गेम एना दी बैटिंग ऑर्डर इशू। ए देखो, सोचो जरा, विक्रम राठौर। इंडिया ने न्यूजीलैंड को ठोक दिया, इंडिया ने न्यूजीलैंड का घंटा बजा दिया, तो क्या मतलब इंडिया वर्ल्ड कप जीत रहा है। अब आओ मैदान में, पता चलता है यार, इसको कहते हैं क्लासिकल बैटिंग। मैं कह रहा हूं बड़े नाम आपने बनाने हैं ना, तो विराट को देखिए और उससे सीखिए कि जहां पर बैटर बड़े होते हैं वहां पे अक्सर विराट अकेले नहीं खड़े होते हैं, सब चले जाते हैं लेकिन विराट खड़े रहते हैं। और फिर एक बार उस बंदे ने साबित कर दिया है कि चेज करना है, बुलाओ विराट को, हाजिर है भाई। रोहित शर्मा आए हैं कप्तान बने, तो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि वी वांट टू चेंज दिस, हम अब ऊपर से ही अटैक करेंगे और वी वांट टू प्ले पॉजिटिव क्रिकेट और इंपैक्ट शुरू से हमने डालना है। एंड देन एज अ प्रॉपर, जिसको हम कहते हैं जनरल लीडर, खुद उन्होंने इनिशिएटिव लिया और स्टार्ट में आके जिस तरीके से वो खेलते हैं राइट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल आप देखेंगे अटैक करते हैं। विराट कोहली इज़ द फादर ऑफ बाबर आजम इन क्रिकेट। सीधी सी बात है, क्रिकेट में बाबर आजम विराट कोहली को टच भी नहीं कर सकता। विराट कोहली कहां पे, बाबर आजम कहां पे, खत्म है बाबर। नमस्कार दोस्तों, क्या जरूरत थी यार वो छक्के मारने की कोहली साहब, क्या जरूरत थी। मतलब हमें तो आपकी 100 चाहिए था भाई, बॉल भी बहुत ज्यादा पड़े थे क्रिकेट को, 100 की क्या, मतलब छक्के की क्या जरूरत थी। आपने एक रिकॉर्ड होते होते ही उसको अपने हाथों से तोड़, मतलब अपने अपने बचा लिया यार। मतलब इंडिया तो मैच जीत गया, मतलब खुशी हुआ कि 5 मैच इंडिया ये घर अपने घर में जीत गया, और न्यूजीलैंड जो अनबीटेन थी उसको भी डिफीट मिली आज जाके फाइनली। लेकिन ये जो विराट कोहली की 100 था ये हमेशा चुभेगा यार, अगले मैच में क्या होगा इसका पता नहीं, लेकिन ये 100 बनता था यार, ये विराट कोहली की 100 था, लेकिन उन्होंने अपने हाथ से ही गवा दिया यार। 6 मतलब छक्के की जरूरत ही नहीं था। मतलब जो बैटिंग किया था रोहित शर्मा ने आज आते आते और उसको एंड किया विराट कोहली ने जाते जाते, जो 95 रन उन्होंने बनाए भाई, जितनी भी तारीफ किया जाए कोहली के कम है, क्योंकि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां कोहली खड़े होते हैं। इसी के लिए आज जमकर तारीफ हो रही है विराट कोहली की और पाकिस्तान में भी तारीफ हो रही है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। मैं अमिताभ गेंद पर आते क्या हमेशा से ठेका, इसलिए मैंने कहा था कि जब विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर को 2011 में कंधे पे उठाया और उनसे सवाल हुआ कि आपने तेंदुलकर को कंधे पे क्यों उठाया, तो उसने कहा कि वो 20-25 साल से हमारी इंडियन क्रिकेट का बोझ अपने कंधे पे अकेले लेकर घूम रहे थे, तो ये वक्त था कि वर्ल्ड कप जीत के हम उन्हें कंधे पर उठा लें। तो अब मैं कह रहा हूँ कि जो लोग इधर उधर के कागजी घंटे के किंगों के उठाते हैं, वो विराट कोहली के थोड़े से उठा लें तो क्रिकेट सीख जाओगे। आखिरी लम्हे की जो फुटेज है जडेजा के चौके के बाद जो कैमरे ने मंदर दिखाया कि रोहित शर्मा ने, यानी कि सिक्समैन शर्मा कह दिया मैंने आज से नाम उनका, सिक्समैन तो मैं ये जिस तरह से उन्होंने कोहली को गले लगाया उससे आप अंदाजा ने बात करिए कि तू अगर ना हो तो फिर गेम का पता नहीं क्या सुना जाए। मगर आज विराट कोहली तो अपनी जगह है ही। वासे ने शो शुरू होने से पहले जो बात करी ना, असल गेम है वहां पर जहां पर मोहम्मद शमी की बॉलिंग आती है, जहां से गेम उन्होंने इंडिया के फेवर में डाले, यानी कि अंडर मार स्कोर जाने नहीं दिया आज उन्होंने न्यूजीलैंड को। आज बदला ले लिया गया न्यूजीलैंड से विराट कोहली की जानिब से। विराट कोहली वॉज द कैप्टन व्हेन दे लूज अगेंस्ट दिस टीम इन द सेमीफाइनल। रोहित शर्मा ने आज असल तो गेम बजाया रोहित शर्मा ने। अबे उसने मतलब दूसरे ओवर के बाद किसी बॉलर को समझ नहीं आता रोहित शर्मा को, घंटा बजा दिया विराट कोहली ने, भाईजान पकड़ के विराट कोहली ने भाई न्यूजीलैंड का घंटा बजा दिया। आप अब मुझे ये बताओ किधर गए वो घंटे, मेरे घंटे के किंग, मेरे घंटे के फैंस किधर गए हैं, जो सोशल मीडिया पे बकवास फेल रहे थे कि विराट कोहली आज जल्दी आउट होगा। घंटे के फैंस कह रहे थे सुबह कि विराट कोहली खेले पे उसको ट्रेंट बोल्ट, मैट हेनरी, ये जो और पकड़ के बजा दिया विराट कोहली ने सबकी, मेरे घंटे के किंग, मेरे घंटे के किंग, मेरे घंटे के किंग। अब वो वर्ल्ड क्रिकेट का भाई
इंडिया ने ठोक दिया न्यूजीलैंड को, न्यूजीलैंड को जिस तरह ठोकरा दिया था, पकड़ के बजा दिया न्यूजीलैंड की भाई, जिस तरह रोहित शर्मा ने खेला शुरू में आगे, जिस तरह रोहित शर्मा ने बाहर निकल के मैट रनरी को छक्का मारा, तो मेरे गड्ढे के किंग, मेरे गड्ढे के किंग, मेरे गड्ढे के किंग, बाहर आओ मेरे गड्ढे के मैन, बाहर आओ मेरे गड्ढे के मैन, विराट कोहली ने बजा दिया न्यूजीलैंड की, गड्ढा बजा दिया विराट कोहली ने, पकड़ के भाई विराट कोहली ने पकड़ के बता दिया कि वो क्रिकेट का किंग है, विराट कोहली इस वर्ल्ड कप में भाई बजा रहा है सबकी, विराट कोहली ने इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया का घंटा बजाया, विराट कोहली ने इस वर्ल्ड कप में बांग्लादेश का घंटा बजाया, विराट कोहली ने इस वर्ल्ड कप में पकड़ लिया आज न्यूजीलैंड का भी घंटा बजा दिया, पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली का 50 था, ओ मेरा घंटे बाहर आओ, बाहर आओ, इंडिया वर्ल्ड कप जीत रहा है, इंडिया वर्ल्ड कप जीत रहा है, इससे बड़ा साइन नहीं हो सकता कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत रहा है, इंडिया ने न्यूजीलैंड को ठोक दिया है, इंडिया ने न्यूजीलैंड का घंटा बजा दिया, तो क्या मतलब इंडिया वर्ल्ड कप जीत रहा है, आप आओ मैदान में, मेरा घंटा तो अपने लिए खेलता है, और विराट कोहली रोहित शर्मा ये टीम मैन है, टीम के लिए खेलते हैं, अब 46 पे आउट हुआ रोहित शर्मा, टीम के लिए खेल रहा था, इसी के साथ यार वीडियो खत्म, यार भाई मैं सीधी सी बात करूंगा, जिस दिन बाबर आजम ने विराट कोहली की इस तरह की एक इनिंग भी कर ली ना, उस दिन मैं बोलूंगा कि भाई बाबर आजम प्लेयर है, सही बात है भाई, मैं एक बात उस दिन मैं बोलूंगा। हाँ सबसे पहले मैं रोहित शर्मा की तारीफ करूंगा जो ओपनिंग पेयर आता है। मैं क्यों तारीफ करूंगा उसकी वजह मैं बताता हूँ। स्टार्ट में आते हैं तोड़ फोड़ कराते हैं सबको, तबाही करके, मतलब आधा प्रेशर तो वो उतार देते हैं सबका। सही बात है, सही। वैसे इंडियन टीम प्रेशर नहीं लेती, लेकिन आधा काम वो कर जाते हैं, जिस तरह का स्टार्ट वो दे जाते हैं ना, अगले प्लेयर के लिए बहुत आसानी हो जाती है, और शुभमन गिल भी, वही मैं कह रहा हूं ना। और मैं ये बोलूंगा पाकिस्तानी बॉलर्स को कम से कम शमी से सीखना चाहिए, सही बात है, सही बता रहा हूं मैं, बुमराह से सीखना चाहिए, स्पिनर को कुलदीप से सीखना चाहिए, रविंद्र जडेजा से सीखना चाहिए, मैं कहता हूं ऐसे बॉलर, मैं कहता हूं पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट बैटिंग ऑर्डर और बॉलिंग अटैक जो है वो भारत के पास, और बैटिंग अगर सीखनी है ना, सीखनी है तो विराट कोहली को भाई किंग मानो, आप हमारे गुरु हो, हमें भाई मुरीद बन जाओ तब आप बोलो भाई। आप पाकिस्तानी टीम को मैं यही कहूंगा भाई, आप बोलो विराट कोहली हमारा गुरु है, हमें सिखाओ भाई। कल ट्विटर पे एक बंदा, मतलब देखो कुछ पाकिस्तानी फैंस होते हैं जिनकी पिछवाड़े में खास किस्म के, जाके कहते हैं सेंचुरी करना न्यूजीलैंड के खिलाफ किसी की हिम्मत की बात नहीं होती ना, उसको मैं नीचे गालियां लिख कर आया, तो सही कहा है ना, सही बात है ये, जलते हैं यार लोग यार, मैंने नीचे गालियां लिखी है, मैंने कहा भाई वो एल का मेरा किंग है, असली किंग ये होता है भाई, वाकई में असली किंग इसको कहते हैं, मैं कहता हूँ तुम करीब भी, उनको अंदर से ये पता होगा विराट कोहली बाबर आजम से कोसों आगे है, सही बात, उनको अंदर से ये पता, लेकिन उनको ये मजा आता है इस तरह का, मजा नहीं आता, जलन जलन होती है, जलन होती है, और कुछ नहीं, वो रियलिटी को एक्सेप्ट करने वाले ऐसे लोग नहीं होते, सच बोलूं। आपका क्या कहना है, अपनी कमेंट सेक्शन में दे अपना, बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दो हजार बाय।